तुफेल की फैमिली चौंकने की जरूरत नहीं, यहाँ ये माय जीएम ही की वीडियो है। और मैंने कमेंट सेक्शन देखा था, आप में से बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब माय जीएम मोड की वीडियो नहीं आएगी, तो गलत लग रहा था मेरे भाई। हाँ, मैं लगातार माय राइस की वीडियो धड़ाधड़ ला रहा था, ताकि मैं चाहता था कि जो असली वाला रेसलमेनिया आने वाला है ना, उससे पहले मेरा ये नकली वाला रेसलमेनिया माय राइस में खत्म हो जाए, जो कि कल मैंने खत्म कर दिया। तो इसलिए अब माय जीएम की वीडियो भी रेगुलरली आएंगी, और ये है जीएम मोड का 8वां एपिसोड। तो इनकेस आपने बाकी के 7 एपिसोड मिस कर दिए, तो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में, फट करके सारी एपिसोड देख लो। और फेल आर्मी देखो, माय राइज में आप लोग लाइक देते रहे, मैं माय राइज जल्दी जल्दी बनाते रहा, तो जीएम मोड के साथ भी कुछ ऐसा ही करना है, लाइक करते रहो और उसके बाद मैं भी रुकूंगा नहीं, जीएम मोड की वीडियो आती रहेगी। तो इस हफ्ते ट्रिपल एच का एक गोल है कि एक्सट्रीम रूल्स मैच करवाना है, देखते हैं। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ना, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हर हफ्ते के शो पे तो ध्यान देना ही है, प्लस इसके साथ साथ ना माय जीएम मोड की ट्रॉफी भी जीतनी है। और ये जो अभी मेन्यू दिख रहा है ना, ये है वो चैलेंजेस। अगर इनमें से 5 चैलेंज मैंने कंप्लीट कर लिया, कोई भी 5 या 5 से ज्यादा, तो ये सीजन खत्म होते टाइम मुझे एक जीएम मोड की ट्रॉफी मिल जाएगी। और ये चीज मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कि मेरे पास फैंस कितने भी ज्यादा हो, लेकिन जिस शो के पास सबसे ज्यादा ट्रॉफी होगी ना, लास्ट में वही जीतेगा। अगर हाँ सबके पास बराबर ट्रॉफी है, तब ये देखा जाएगा कि फैंस किसके पास ज्यादा है। लेकिन अगर ट्रॉफी नहीं रही और फैंस मेरे पास बहुत ज्यादा रहे, तब भी मैं हारे होंगे। इसलिए 5 गोल्स कंप्लीट करने, जिसमें से 3 गोल मैंने आधा कंप्लीट ही कर लिया है, और एक ये जो नया गोल मुझे नजर आ रहा है, जो थोड़ा आसान है, कि 10 शो में मुझे ट्रेनिंग प्रोमो बुक करना है। तो ट्रेनिंग प्रोमो मैंने अभी तक एक बार भी बुक नहीं ना किया, कोई नहीं। अभी सीजन खत्म होने में 17 शो और बचे हुए हैं, तो अभी टाइम है अपने पास, हर शो में एक ट्रेनिंग प्रोमो बुक कर लेंगे। और इससे पहले आज के शो बुक करना स्टार्ट करिए, जो बॉट सुपरस्टार है भाई, 7,750 में 5 हफ्ते के लिए डील खराब नहीं है। तो ये वाली बॉट सुपरस्टार का कौन सा मैच होगा ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले शो का ओपनिंग मैच बुक किया जाए। तो सीना और लैशली की लेवल 2 पे दुश्मनी जा चुकी है, और ऐसे लैशली ने मुझे बोला है, मतलब जनरल मैनेजर पॉल हेमन को बोला है, कि आप मेरे मैच में इंटरफेयर करना। तो अभी तो मैं नहीं करूंगा, वरना जानते हो ना, अगर मैं अभी बॉबी लैशली की मदद करता हूं इस मैच में, तो सीना नाराज हो जाएंगे और बहुत पैसे मांगेंगे। तो अभी 3 हफ्ते का टाइम है, तो इसके बाद 2 हफ्ते और दिए ना लैशली ने, उसमें देखा जाएगा। अभी ये चैरिटी प्रोमो एक बुक करवाना चाह रहा हूं मैं बेकी लिन से। बेकी और रिया रिप्ली का भी मैच इस हफ्ते नहीं करेंगे, इन दोनों की लेवल 4 की दुश्मनी है। तो मैं जो अभी पेबैक पेपरव्यू आने वाला है एक हफ्ते में, उसमें करवाया जाएगा। जो अपना सेकंड मैच है ब्रॉक लेसनर वर्सेस शिंसके, और इस मैच में मैंने बोल दिया है कि ये राइवलरी जब खत्म होगी, और जो भी जीत के बाहर आया उसको पक्का मिलेगा अनडिस्प्यूटेड टाइटल का मैच, और उस टाइम चैंपियन कोई भी रहे, इन दोनों में से किसी एक को मिलेगा। जो अपना तीसरा मिड कार्ड मैच है, जो कि सबसे खराब जाना चाहिए, वो होगा 2 बॉट सुपरस्टार के बीच में। तो अभी जो मैंने बॉट सुपरस्टार लिया है ना, रिया के साथ उसका मैच करवा सकता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं ना, रिया का स्टैमिना इतना भी ज्यादा नहीं है, तो दोनों बॉट ही सुपरस्टार को रखते हैं, ताकि रेटिंग कमी आएगी तो अपनी दिक्कत नहीं, जानते हो ना, तीसरे मैच की रेटिंग सबसे कम आनी चाहिए, 1 स्टार या 1/2 स्टार भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन उसके बाद ओपनिंग और मेन इवेंट बहुत अच्छा जाना चाहिए, तब अगर तीसरे मैच की रेटिंग खराब है तब अच्छा है। तो जो अपना मेन इवेंट है अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए, सेथ रॉलिंग्स वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। हाँ, मैंने रोमन और कोडी की दुश्मनी को बचा के रखा था, लेकिन इसलिए मैं इन दोनों का 1-on-1 नहीं करवा रहा हूँ। ट्रिपल थ्रेट में ना ये लोग अच्छी रेटिंग भी दे देंगे, प्लस की इन दोनों की दुश्मनी बोरिंग भी नहीं होगी, क्योंकि ये ट्रिपल थ्रेट मैच है, क्योंकि वो अगर स्टेन लिखा गया ना तब दिक्कत हो जाएगी भाई। भाई इस मैच को भी मैंने नॉर्मली कर दिया है, क्योंकि इस साल ना पैसे का बहुत लोचा है, तो ट्रेनिंग प्रोमो वाला अपना एक ऑब्जेक्टिव है, तो रैंडी ऑर्टन का ट्रेनिंग प्रोमो करवा देते हैं, इससे रिंग एक्सपीरियंस बढ़ता है। और ऐसे मुझे इससे उतना लेना देना नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है ना, 10 शो में एक एक ट्रेनिंग प्रोमो हमेशा बुक करवाना है, ताकि ये ऑब्जेक्टिव अपना खत्म हो जाए। भाई साहब इस साल इतने पैसे कम है कि कोई पावर कार्ड लेने की भी अभी हिम्मत नहीं है। तो फिलहाल इस शो को कंफर्म करते हैं, 17,000 का शो बुक कर रहे हैं, अभी तक अरीना अच्छा नहीं लिया है, पैसे ज्यादा जमा हो तब ना, 2-3 सुपरस्टार को फायर करके ये काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन किसको फायर किया जाएगा फिर? नॉन टाइटल मैचेस ही ना संभाल लेना। 1, 2, that's 3. अब मैं समझ रहा हूँ लैशली ने मदद क्यों मांगी, जीतता ही नहीं। लैशली और सीना की दुश्मनी लेवल 3 पे चली गई है। बेकी लिंच ने बहुत अच्छा प्रोमो कट किया है, 7,500 फैंस लेके आई मेरे शो के लिए, बहुत अच्छा बेकी। चलो बस ये मिड कार्ड मैच जो कि नॉर्मली है ब्रॉक और शिंसके का, ये दोनों संभाल लेना, और एटलीस्ट 2 स्टार के ऊपर लेते आए। 1, 2, that's 3. शिंसके जीत गया 2.5 स्टार, इन दोनों की दुश्मनी भी लेवल 2 पे चली गई, बहुत अच्छा। तीसरा वाला तो खराब ही जाना है, रैंडी ऑर्टन ने प्रोमो कितना खराब कट किया। ऑर्टन रिंग एक्सपी बहुत कम बढ़ा ऑर्टन का, क्योंकि ऑर्टन का माइक स्किल 2K ने 3 ही दिया है। 2K क्या कर रहे हो, ऑर्टन से क्या दुश्मनी है, कम से कम ऑर्टन का माइक स्किल 4 तो होना ही चाहिए था। 1, 2, ring the bell.
ये मैच तो बस टाइम पास मैच है, वन स्टार आ गया, मुझे लग रहा था कि हाफ स्टार आएगा क्योंकि दोनों ही बॉट सुपरस्टार थी। ये जो फाइनल मेन इवेंट है इसको देखना, और मैं इससे उम्मीद कर रहा हूँ 4.5 स्टार या 5 स्टार, क्योंकि रोमन और कोडी दोनों के लेवल 4 की दुश्मनी है और सेथ चैंपियन है। तो मेरे शो में याद है ना, रोमन और कोडी परमानेंट सुपरस्टार हैं, लेकिन सेथ कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, और सेथ को मैंने लास्ट वीक कॉन्ट्रैक्ट दिया था बहुत पैसे का, और लास्ट वीक सेथ ने टाइटल भी जीत लिया। तो सेथ के भाई मजे हैं, पर इस मजे को सेथ कंटिन्यू कर पाएंगे, आज अपना टाइटल बचा पाएंगे, ट्रिपल थ्रेट ये मैच है ना। और लास्ट टाइम रोमन के साथ कांड हो गया था भाई, रोमन वर्सेस ऑटन वर्सेस सेथ में, सेथ ने क्या किया कि ऑटन का पिनफॉल करवा लिया, और जबकि ऑटन के पास रेजिलेंस तक थी। तो ये अच्छा है भाई, रोमन के जो रियल लाइफ के दोनों दुश्मन हैं वो अभी दोनों ही इस मैच में, तो क्या रोमन बदला लेंगे, क्या कोडी अपनी कहानी खत्म करेंगे, या फिर सेथ अपना टाइटल फिर से रिटेन करने वाले। एक नई चीज मैं बता रहा हूँ, 2K ने ना 7 GB का अपडेट डाला है गेम में, जिसके बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि रेसलमेनिया 40 जैसे ही खत्म होगा ना, उसके कुछ टाइम के बाद जो ओरिजिनल वाला रेसलमेनिया 40 का अरीना होगा 2K अपने को दे देंगे। ये एक अपडेट है, प्लस कि उन्होंने ये बोला है कि GM मोड को बहुत ज्यादा अपग्रेड कर दिया है, और जो मेरे बाकी के शोज है ना जिनको AI कंट्रोल कर रहा है, तो वो और ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो मैं 2K से ये बोलना चाहता हूँ कि भाई पहले ही से डिफिकल्ट था, वो लोग तो ऑलमोस्ट मेरे करीबी करीब चल रहे हैं, और एक बात तो ECW इतने करीब आ गया था कि ऑलमोस्ट मुझे हरा ही दिया था अभी 2-3 शो पहले। हाँ अभी तक मेरा शो नंबर 1 ही पे है, लेकिन 2K का जो आज का अपडेट था ना उसके हिसाब से उनका कहना है कि और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा GM मोड। भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, आज पता चलेगा, टेंशन मत लो, अभी जब ECW और रॉ का शो देखेंगे ना तो समझ में आएगा कि और कितना ज्यादा 2K ने अपने साथ कांड किया है। ये ट्रिपल थ्रेट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तीनों ही टफ सुपरस्टार हैं, प्लस एक आदमी तो चैंपियन है, और रोमन और कोडी की दुश्मनी जान ही रहे हो। तो भाई या तो ये तुरंत खत्म हो जाएगा, किसी एक आदमी की किस्मत खराब होगी और उसकी रेजिलेंस भी जाएगी और उसके ऊपर पिनफॉल भी हो जाएगा, या फिर ये मैच बहुत लंबा चलने वाला है। सेथ के बारे में ये बोल सकते हो कि रोमन के लिए वो गेम के अंदर भी बैड लक है, सेथ जब जब आते हैं रोमन का कुछ ना कुछ बुरा होता है। लास्ट मैच में जब सेथ इन्वॉल्व हुए तो ऑटन के ऊपर पिनफॉल करवा के सेथ ने टाइटल जीत लिया, रोमन चैंपियन थे, है ना। हाँ रोमन चैंपियन थे, तो क्या जिस चीज का बदला ले पाएंगे रोमन। ट्रिपल थ्रेट मैच है भाई, तो डिस्क्वालिफिकेशन है नहीं, तो जो भी वेपन से यूज कर सकते हो, और बस मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लोग रिंग के बाहर ना ज्यादा टाइम पास नहीं करने लगे, फिर दिक्कत हो जाएगी भाई, क्योंकि अब इस मैच में मैं भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अगर ये लोग बाहर जाके टाइम पास करने लगेंगे तो मैं भी इन तीनों में से कोई नहीं बन सकता हूँ, एक बार स्टार्ट कर दिया तो अब पूरा मैच देखना ही पड़ेगा। जो ये देख रहे हो, तीनों ही का कोई ना कोई बॉडी पार्ट येलो हो ही गया, सेथ की बॉडी येलो ही है और रोमन और कोडी का हेड येलो हुआ है। अरे अभी तो बहुत मारना होगा भाई, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, वेपन्स की, अरे रोमन कितना जल्दी खून कैसे निकलने लगा, अभी तो मैच स्टार्ट ही हुआ था। एक तो ये टकला रेफरी, जब भी GM मोड में सस्ता वाला अरीना लगाओगे ना तो ये टकला रेफरी आएगा। भाई मुझे क्या लग रहा है पता है, कि जब तक season 1 खत्म नहीं ना होता तब तक अच्छे अरीनाज में अनलॉक नहीं कर पाऊंगा, पैसे की कितनी कमी है। अच्छा अगर आप लोग को मैं ऑप्शन दूं कि मेरे पास जो अभी रोस्टर है उसमें से किसी एक आदमी को फायर किया जाए तो आप लोग किसका नाम लोगे। हाँ बॉबी लैशली का नाम मत लेना, क्योंकि देख रहे हो ना, एक तो बेचारा इतना मैच हार रहा है, उसको फायर भी कर दूंगा तो अलग रोने लगेगा। अच्छा चलो बॉबी लैशली को भी नाम ले सकते हो, आप लोग कॉमेंट करके बताना कि अगर आप लोग को मैं ऑप्शन दूंगा कि आप लोग वोट करो कि मेरे पास जो अभी रोस्टर है, देखा है ना रोस्टर, तो उसमें से कोई भी लड़का या लड़की कोई भी अगर मैं फायर कर सकूं तो उसमें से किसको फायर किया जाएगा। तो ये याद दिला दे रहा हूँ कि सुपरस्टार को फायर करूंगा ना तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में मैंने उसको जितने पैसे दिए होंगे उतने पैसे तो पूरे नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। जितना ज्यादा महंगा सुपरस्टार मैंने खरीदा होगा उस हिसाब से उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, ये है। तो ये मत बोलना भाई बॉट सुपरस्टार को फायर कर दो, उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 7,000 कॉन्ट्रैक्ट में मैं लेके आया हूँ तो कितने मिलेंगे पता है, $500 या $1,000 ज्यादा से ज्यादा, तो क्या फायदा है। और जब तीनों ही हैवी पिटा गए, सेथ थोड़ा ज्यादा पिटा गए, बॉडी ऑरेंज हेड येलो, ये ट्राइबल चीफ को बस मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि देखो मैच में इन्वॉल्व रहना, क्योंकि चलो रोमन के ऊपर पिनफॉल हो गया तो समझ में आएगा कि लास्ट टाइम भी रोमन के ऊपर पिनफॉल नहीं हुआ था और वो अपना टाइटल हार गए थे, तो ये चीज का बदला लेने का रोमन मौका मिल गया है। और अगर हारना भी तो अपने ऊपर पिनफॉल करवा लेना तो फिर लगेगा ना कि हाँ चलो जो फॉर्मर चैंपियन था उसके ऊपर पिनफॉल हुआ, और कोडी और सेथ एक दूसरे का पिनफॉल करवा के जीत जाएंगे ना तो लगेगा कि भाई फिर रोमन के साथ कांड हो गया। नहीं एक टाइम ऐसा आएगा ना कुछ देर में कि इतना सब मार खा जाएंगे कि हो सकता है कि रेजिलेंस भी रखे रहे
और मे भी पिनफॉल करवा ले, लेकिन जो 2K ने अभी नया नया अपडेट डाला है, अभी मैंने पूरी तरह से चेक नहीं किया और 2K बताते नहीं है कि उन्होंने बहुत सारे ग्लिच को ठीक कर दिया है। तो 7GB का अपडेट आया है, तो 7GB का अपडेट में भाई अच्छा खासा कुछ डाला हुआ है, तो मुझे अच्छे से चेक करना होगा। जब आज मैं ये GM मोड की बात खेलूंगा ना, तो अभी जो नए नए अपडेट हैं वो भी आई थिंक धीरे धीरे पता चलेंगे। सर शर्म कर ले भाई, अभी इतना जल्दी पिनफॉल, एटलीस्ट सिग्नेचर दे देता, कुछ और एक आध मूव मारो, एक आध आदमी की रेजिलेंस खत्म करवाओ। कोडी सिग्नेचर है, रोमन के पास भी सिग्नेचर है, ये पुराने वाले 2K23 में कोडी का ये सिग्नेचर हुआ करता था। कोडी काहे को पिनफॉल करवा रहे हो अभी, एटलीस्ट सिग्नेचर। रोमन सुपरमैन पंच या गिलिटीन मत ही देना, ना ना मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि सेट खड़े हो गए, बर्बादी हो जाएगा। इस सिग्नेचर फिनिशर का क्या हिसाब है ना ट्रिपल थ्रेट में, कि ऐसे टाइम पे दो जब तीसरा वाला आदमी इधर उधर हो, खास करके नीचे स्टंड होके पड़ा हुआ है, तब सेफ ऑप्शन है कि फिनिशर लगाओ और पिनफॉल करवा लो ताकि रेजिलेंस खत्म हो। कोडी ने क्या किया है पता है, रोमन का ये सुपरमैन पंच दो दो आदमी को कब से लगने लगा भाई भाई भाई, और रोमन का सिग्नेचर खत्म भी नहीं हुआ, लेकिन इस बारी अच्छे से कनेक्ट हुआ है कोडी को। तो रोमन और सेट के पास अभी थोड़े देर के लिए मौका है एक दूसरे की रेजिलेंस खत्म करवाने का। सेट सिग्नेचर देने का क्या लोगे, पेडिग्री या रोमन स्पियर, एक दूसरे की रेजिलेंस खत्म करवाओ ताकि एक आदमी तो टारगेट बने कम से कम। अभी तो ऐसा लग रहा है कि किसी का पिनफॉल नहीं होगा, कोडी को मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि स्पियर पड़ेगा। रोमन हाँ पिनफॉल तो अभी बचाएंगे ही भाई, तीनों की बॉडी लाल, तीनों का हेड ऑरेंज, वाह भाई। काइवल चीफ और कोडी दोनों के पास मौका है अभी चौका मारने का एक दूसरे की हालत। रोमन इतना स्लो वाला स्पियर, देखो वन ऑन वन में दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी देना बर्बाद है क्योंकि सेट होश में। ओ कोडी ने बचा भी लिया, ऐसे लग भी जाता तो कुछ फायदा होता नहीं क्योंकि सेट तो पिनफॉल करवाने देता नहीं। क्या बोला था कि सेट इस मैच में रहेगा तो रोमन के लिए कुछ ना कुछ खराब होगा, रोमन का फर्स्ट फिनिशर छिना चुका है। हाँ वो अलग बात है कि अभी तक और किसी ने फिनिशर नहीं दिया है, कोडी ने भी हाँ नहीं 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 दिया, रोमन ही फर्स्ट फिनिशर देने जा रहे थे लेकिन दे नहीं पाए। सेठ ने भाई अपना संभाल संभाल के रखा हुआ है सिग्नेचर फिनिशर, एक ही बार में देगा सेठ, लेकिन फिलहाल सेठ की चालू पंती कुछ देर नहीं चलेगी, स्टंड है भाई साहब। और इसी टाइम पे रोमन की रेजिलेंस जानी है, बहुत ज्यादा मार खा चुके हैं, बॉडी लाल, हेड लाल, रेजिलेंस गई। मां कसम भाई बिना रेजिलेंस के किक आउट करा है, ये जो 7GB का अपडेट डाला रोमन को कहीं नेक्स्ट लेवल पे तो नहीं भेज दिया 2K ने, सोचा कि कोडी बहुत ज्यादा अच्छा चमक के नजर आ रहा है। याद है ना किंग टूर्नामेंट में बहुत बार टाइटल बचाया है, मतलब गद्दी बचाई है कोडी ने, तो कहीं ऐसा तो नहीं 2K ने बोला कि ओ कोडी इतना अच्छा हो गया है, लो फिर से रोमन को अच्छा किया जाए। ये अभी बिना रेजिलेंस के रोमन ने कैसे किक आउट कर दिया, मैं वही सोच रहा हूँ। फिनिशर लगा था और रोमन मार भी खा चुके हैं भाई, अगर कोई और होता रोमन की जगह तो या तो रेजिलेंस यूज कर लेता या डायरेक्ट पिनफॉल ही करवा लेता। ये चीज देखना आज के मैच में ऐसा होगा कि अगर सेट और कोडी एक दूसरे को फिनिशर अभी लगाते हैं ना, तो देखना इनकी रेजिलेंस जाएगी। रोमन ने बचाया भाई, कुछ तो झोल है। नहीं नहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक मैच में इत्तफाक हो गया, लेकिन अगर एक बार हुआ तो तुक्का, पर मैं हमेशा बोलता हूँ दो बार लगा तो हुकुम का इक्का। तो अगर नेक्स्ट टाइम भी ऐसा हुआ रोमन के मैच में, तो समझ आना कि 2K ने भाई अपडेट कर दिया है रोमन को। सेट और कोडी दोनों के पास एक एक फिनिशर है, पर रेजिलेंस सबके पास है ना, प्रॉब्लम ये है भाई, अभी जीत कोई नहीं सकता है जब तक एक आदमी की रेजिलेंस खत्म नहीं हो, वो आदमी कौन होगा। कोडी फिनिशर लगाने का टाइम था, सेट को लगा देते, या सेट का फिनिशर इतना स्लो है ना भाई, सेट का साबुन स्लो है, मतलब ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए ना सेट का फिनिशर झोल वाला है, क्योंकि जब तक सेट अपना स्टॉर्म के लिए जाएंगे तीसरे आदमी को होश आ जाएगा। रोमन और कोडी का अच्छा है फटाक फटाक फिनिशर लगता है, जब तक तीसरे वाले को होश आएगा भाई तब तक तो कांड हो जाएगा। रोमन स्पियर नहीं है, वरना भी आओ रोमन के पास भी स्पियर आ गया है। रोमन पर अभी फिनिशर मत ही देना जब तक एक आदमी होश में, कोई किसी को फिनिशर मत देना, वेस्ट होगा। कोडी फिनिशर नहीं, हाँ नॉर्मल मारते रहो सब एक दूसरे को फिलहाल के लिए। देखो कोडी, अरे फिनिशर काइक को लगा दिया, पर रोमन बेहोश है, हो सकता है रेफरी जल्दी, सेट की रेजिलेंस गई डेफिनेटली। देखो भाई रोमन ने भली किक आउट कर दिया था, लेकिन सेट ने किक आउट किया है पर रेजिलेंस यूज करके, और रोमन शायद जीतने वाले ये मैच, फिनिशर भी है रोमन के पास। रोमन ये क्या बोलने लगे, रोमन ये बहस करने का टाइम नहीं था, अभी जीत सकते थे रोमन, लेकिन अब कोडी के पास भी मौका है। मैं तो बोलता हूँ ना कि सेट को गिरा के पिनफॉल कोडी, अरे रे 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 रोमन का ये दूसरा फिनिशर, भाई 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 सेट जब भी आता है ना मैच में, रोमन का दो स्पियर छिना चुका है,
और रूपन को स्टॉर्म तो लगाया लेकिन गलत टाइम पर। चलो रेजिलेंस खत्म करवा सकते थे अगर कोडी सामने नहीं रहते तो। गलत टाइम कोडी जीत सकते हो, फिनिश द स्टोरी हो सकती है। चलो भले ही सेट के ऊपर हो जाएगी लेकिन क्या फर्क पड़ता है, टाइटल तो टाइटल है ना। ऐसे भी रियल लाइफ में भी तो सेट चैंपियन ही है तो ना भाई। WWE ने सेट के टाइटल का कोई वैल्यू ही नहीं रखा है, क्योंकि अगर कोडी सेट से भी टाइटल जीतते तो भी तो फिनिश द स्टोरी तो होती ही ना। ये थोड़ी है कोडी की स्टोरी में, ये थोड़ी था कि रोमनी को हराना है। कोडी की स्टोरी में ये था कि उनको एक वर्ल्ड टाइटल जीतना है, जो कि ये काम उनके पापा डस्टी रोड्स नहीं कर पाए। लेकिन WWE ने क्या किया है कि रोमन के टाइटल को एकदम ऊपर और सेट के टाइटल की कोई इज्जत ही नहीं है। रोमन मार खा चुके हैं, ब्रेजिलियंस रख के पिनफॉल रोमन, कोडी फिनिश द स्टोरी होते होते रह गई लेकिन रोमन की रेजिलेंस खत्म हो गई है। यानी कि इस मैच में कोडी की जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि कोडी के पास दो टारगेट है, रोमन और सेट, और कोडी अपने पास रेजिलेंस बचा के रखे हुए हैं। कोडी कटर लेकिन गलत टाइम पे ना, और अभी जीतने वाले थे। ये फिनिशर अगर कनेक्ट हो जाता, गलत आदमी को फिनिशर। कोडी रोमन स्टंट थे भाई, कोडी जीत गए थे, सेट के ऊपर पिनफॉल करवा के जीत जाते। अरे रे रे रे, खतरनाक होता। कोडी कटर दिया रोमन को और क्रॉस, अरे सेट, गलत टाइम। रोमन को होश आ जाएगा। हाँ वही ना, यही तो गलत टाइम पे जो ये लोग देते हैं ना फिनिशर। रोमन अभी जीत सकते हो सेट का पिनफॉल। अरे रोमन, चेयर से अच्छा होता कि सेट का नॉर्मली पिनफॉल करके देखते मुझे। आए वो भी गलत आदमी को मार रहे हैं जो स्टंट पड़ा हुआ है। लेकिन अभी भी सेट और रोमन के पास चांस है एक दूसरे का पिनफॉल करवा सकते हैं। दोनों ही मार खाए हुए बिना रेजिलेंस के हैं, तो दोनों का नॉर्मली पिनफॉल हो सकता है भाई। सेट बाहर जाने की क्या जरूरत थी, चेयर तो पड़ा ही हुआ था। लेकिन हाँ चलो अच्छा है, टूके के पुराने गेम में ऐसा था कि अगर ये लोग नीचे आ गए तो ऊपर नहीं जाते थे, लेकिन टूके ने AI को ऐसा बना दिया कि भले ही डिस्क्वालिफिकेशन नहीं भी है तब भी ये लोग। हाँ देखो रोमन ट्राई करने लगे, अभी ये लोग जस्ट नीचे ही आए थे लेकिन रोमन अंदर ले जाने का ट्राई कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कोडी के पास फिनिशर है भाई। कोडी पक्का इस मैच में तो स्टोरी खत्म कर रहे हैं अगर फिनिशर सही से लगा पाए। कोडी अंदर वेट कर रहे हैं, रोमन गलत रोमन गए। अगर कोडी ने फिनिशर लगा देते तो शायद जीतते। सेट को होश आने में बहुत टाइम लग रहा था, अब तो मत ही देना क्योंकि सेट होश में आ चुके हैं और रोमन सिग्नेचर फिनिशर रोमन के पास है नहीं। यानी कि सेट और कोडी के पास अभी जीतने का थोड़ा थोड़ा चांस है, जो अपना सिग्नेचर विग्नेचर लगा दे भाई पहले। रोमन अगर सेफ रहना है तो नीचे जाओ, पर अभी भी सेफ नहीं हो ना, क्योंकि टारगेट सेट भी है। तो सेट का भी, और ये क्या था, खतरनाक था यार सेट का। कोडी स्टोरी खत्म करने में बस एक फिनिशर देना था, क्या टाइम पास करने लगे कोडी, अब तो मत ही देना क्योंकि रोमन को होश आ गया है। फिनिशर भी बर्बादी हो जाएगा, लेकिन रोमन स्टील स्टेप्स के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि मैच खत्म। हाँ रोमन का गया मैच, रोमन स्टील स्टेप्स लेके घूमते रह जाएंगे। लेकिन चलो टाइमिंग गलत हो रही है कोडी, फिनिशर देने में कोई टेंशन नहीं है लेकिन टाइमिंग गलत है। किसी के पास फिनिशर नहीं है, बस सेट के पास एक सिग्नेचर है, वो भी सेट अगर रोमन को देते हैं सिग्नेचर तो सेट का फायदा है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था भाई, या तो ये मैच स्टार्ट होते के साथ खत्म हो जाएगा या अच्छा खासा टाइम चलेगा और जो फेल आर्मी को चाहिए कि आधे ही घंटे की वीडियो रहा है। मुझे आज का मैच वैसा ही लग रहा है। सेट बचाओगे कोडी का रेजिलियंस के साथ, शायद पिनफॉल शायद होता या नहीं होता नहीं पता, लेकिन सेट ने बचा लिया। सेट टॉप रोप पेडिग्री नहीं करना क्या चाह रहे सर, उल्टा फाल्कन एरो देना चाह रहे सर, क्या करना चाह रहे हो रोमन के साथ, जो भी करना चाह रहे हो लेकिन बड़ा स्लो है। कुछ शॉर्टकट वाला दे देते ना सर तो शायद जीत जाते। अब तो कोडी को होश आ गया है, पिनफॉल मत ही करना सर, इससे अच्छा फिनिशर की तैयारी करो और फिनिशर अभी मत देना। हाँ ये सिग्नेचर था भाई सर का। रोमन अब बहुत मार खा चुका, एक्चुअली सेट भी सेट टैप आउट कर सकते हैं अगर रोमन को होश नहीं आया तो। नॉर्मल है भली सबमिशन फिगर फोर लेग लॉक, लेकिन टैप आउट कर देंगे क्या। सेट की बॉडी देखो एक बार, बॉडी लाल, हेड लाल, हाथ येलो, पैर येलो, सेट का कोई बॉडी पार्ट नहीं छोड़ा है कोडी ने। कोडी इतना मारोगे यार, रेसलमेनिया के पार्टनर है। अच्छा मुझे रेसलमेनिया से एक और बात याद आई, संडे को 3 बजे लाइव आप लोग देखना चाहोगे। चलो ठीक है, कमेंट करके बताना अगर ज्यादातर लोग बोलोगे संडे को जब रेसलमेनिया का नाइट 1 कंप्लीट होगा, मतलब सुबह सुबह देगा ना, और नाइट 2 मंडे को देगा, जान ही रहे हो आप लोग इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो नाइट 1 जब कंप्लीट होगा संडे को, तो दोपहर में 3 बजे लाइव देखोगे, कमेंट करके बताना तो दोपहर में लाइव किया जाएगा। तो डेली आप लोग पता नहीं क्या क्या चीज के लिए वोट करवाते हो, तो इस चीज के लिए वोट करवाओ।
कि ये जो आने वाला संडे, पता नहीं कौन सा डेट है, डेट आप लोग देख लेना, लेकिन रेसलमेनिया का नाइट वन है उस दिन, तो संडे को दिन में 3 बजे लाइव हो जाए। और जो कोडी के पास फिनिशर विनिशर कुछ नहीं है, सेट के पास फिनिशर है, रोमन के पास सिग्नेचर है, सेट कोडी के पास भी आ गया भाई, फटाफट फिनिशर आ रहा है। कोडी फिनिशर मत ही देना, हाँ अच्छा ही किया, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि रोमन होश में आ जाएंगे, फिर कोडी का फिनिशर बर्बाद। रोमन पिनफॉल मत करना, रोमन चाहो तो जीत सकते हो अभी, या सेट भी जीत सकते हैं, बस फिनिशर लगाने के टाइम पे ना सेट क्या क्या फालतू फालतू मूव्स, और बताओ डाइव मारने लगे सेट, इतने इतने मूव्स थे सेट के पास, इतना लंबा वाला मूव मिला सेट को, जिसमें कोडी को आराम से होश आ जाएगा। सेट की आंखें देखो भाई, डर लग जाएगी भाई, सेट ऐसी आंखें क्यों बना रहा है भाई, वो भी इतना सब करके रिवर्स भी करवा लिया, वाह। कोडी फिनिशर मत लगा देना, क्योंकि रोमन होशी में है, रोमन चाहे तो जीत सकते, अभी भी रोमन के पास चांस है, ऐसे कोडी के पास तो सबसे ज्यादा चांस है, तीनों के पास एक एक फिनिशर, मैच कभी भी खत्म हो सकता है भाई, अब लग रहा है मेरे को। कोडी कप का चाहते तो एक आदमी का पिनफॉल करवा लेते, लेकिन नहीं, ये कोडी मेरे को लग रहा है शायद स्टाइल से जीतना चाह रहे हैं मैच, कि मैं अपना क्रॉस रोड्स लगाऊं दोनों को एक एक, उसके बाद पिनफॉल करवाऊं। कोडी देखना स्टाइल के चक्कर में ना, फिनिशर, जीत गए जीत गए जीत गए भाई, अब कोई नहीं, अरे सेट को होश आ गया है, कोडी जीत गए। रोमन होशी में, रोमन अच्छा चांस है, एक स्पीयर और जीत रोमन की है, रोमन दौड़ा के स्पीयर, थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं होगा, कोडी को होश नहीं आने वाला है भाई, अभी तुरंत स्टॉम्प पड़ा है, होश आ रहा है लेकिन अब लेट हो गया। रोमन ने एक बार फिर से अनडिस्प्यूटेड टाइटल छीन लिया है पेपर यू आने से पहले, सॉरी सेठ, लेकिन सेठ ही का पिनफॉल हुआ। भाई देखते हो ना, ट्राइबल चीफ की जीतने की खुशी में 4.5 स्टार, हाँ इतनी तो उम्मीद थी, मुझे तो लग रहा था कि शायद 5 स्टार भी आ जाएगा, लेकिन चलो बहुत बढ़िया भाई, तो मेरा तो शो बहुत अच्छा गया, लेकिन 2K ने बोला है कि AI को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है GM मोड में, देखते हैं अभी। 1, 2, it's over, hit the bell. तो मेरा ओपनिंग मैच था 3.5 स्टार, इसका भी 3.5 स्टार, ओके ओके, तो मेरा सेकंड मैच था 2.5 स्टार, इसका 3 स्टार आ गया, सही में और टफ बना दिया लगता है। 1, 2, that's it, ring the bell. भाई साहब इसमें तो अच्छा ही आना है, ले भाई 3 स्टार, खतरनाक हो गया भाई। ECW इतना अच्छा शो कब से देने लगा, 2K ने अपडेट में पूरा झोल कर दिया है। 1, 2, 3, ring the bell. बोट सुपरस्टार के साथ मैच करवाया था ग्रेसन वॉलर का, और 4 स्टार लेते आया, पक्का कोई पावर कार्ड यूज किया है। कॉर्बिन का मैच बॉट सुपरस्टार के साथ था, जिसकी 15 पॉपुलैरिटी थी, 3 स्टार कैसे आया, वो भी नॉर्मल मैच है। तो 2K ने ये कांड किया है कि AI को फेवर कर रहा है रेटिंग सिस्टम, अच्छा। 1, 2, that's 3, bring it. इस मैच में भी बॉट था, लेकिन फिर भी 1.5 स्टार आया, नहीं मतलब ठीक है, ये मैच तो ठीक ही था, इसको देखते हैं। 1, 2, ring the bell. तो 2-2 बॉट सुपरस्टार थे इस मैच में, और उसके बाद भी 2.5 स्टार, समझो ना 2K ने क्या कांड किया है। 1, 2, ring that bell. तो GM मोड को टफ बना दिया, अच्छा किया है, लेकिन ये गलत काम कर रहे हैं 2K, कि बॉट सुपरस्टार जो मैच में है उसमें मेरी रेटिंग कम आ रही है, लेकिन सामने वाले लोगों की रेटिंग ज्यादा आ रही है। हाँ हो सकता है उन लोगों ने पावर कार्ड यूज किया हो, लेकिन नॉर्मल मैच में क्या पावर कार्ड यूज करेंगे, जिससे बॉट वाले मैच भी अच्छे चले आएंगे, चांस ही नहीं है। तो इस हफ्ते 50,500 फैंस कमाए और $55,000। ECW का क्या हाल है, ECW ने 58,000 फैंस कमाए, लेकिन टेंशन मत लो, इसने एक पावर कार्ड यूज किया था, देख रहो फैन रिटेंशन वाला, वो पावर कार्ड की वजह से इसके फैंस और ज्यादा बच गए। ठीक है ठीक है, पावर कार्ड यूज करके भी 8,500 से ज्यादा फैंस कमाए, और रॉ का तो हालत खराब है, देख लो इसने पावर कार्ड यूज नहीं किया है तो 42,000 फैंस कमाए। मेरा शो अभी भी नंबर 1 पे, लेकिन 2K ने ये जो AI के साथ और छेड़छाड़ करी है ना, तो ये लोग और हालत खराब करेंगे और मजा आएगा खेलने में। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, फैंस से ज्यादा ध्यान अब ट्रॉफी जीतने पे देना है,
वरना ये लोग ट्रॉफी जीत लेंगे और मेरा शो पीछे हो जाएगा। बेकी लिंच को टैग टीम मैच, अच्छा, एक बॉट सुपरस्टार के साथ टीम अप करना है, ठीक है कर लेना, क्या दिक्कत है। और इसको क्या चाहिए, सैसी मोलासी। तो ये भी बॉबी लैशली की तरह बोल रही है कि मैं इनके मैच में आके इंटरफेयर करूं और इनको मैं फेवर करूं, और अगर ऐसा नहीं किया तो देख रहे हो ना, नाराज है फिर पैसा मांगने लगेगी। तो ठीक है हाँ ही बोल देता हूँ, क्या जा रहा है, दो बॉट सुपरस्टार का मैच करवाऊंगा और इनके मैच में इंटरफेयर करके इनको फेवर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मेरा शो नंबर वन पे 1,19,000 भी कमा लिया है, गोल्स बहुत सारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। 15 शो बुक करना है बिना किसी इंजरी के, जिसमें से 8 शो बुक कर लिया है, 10 शो में ट्रेनिंग प्रोमो होना चाहिए तो एक तो कर ही लिया है, 9 और बचे हुए हैं। इनमें से ना सारे गोल कंप्लीट करना जरूरी नहीं है, 5 करूंगा एक ट्रॉफी मिल जाएगी। तो फेल आर्मी जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो ताकि मैं भी जीएम की वीडियो रेगुलरली बनाते रहूं। और चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।